तो ये देखिए हमारी गांठ गोभी की सब्जी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल चटपटे और मसालेदार। गांठ की गोभी हमने अपने खेतों से लाया है। किस प्रकार का होता है गांठ की गोभी आप भी देखें। ये हमने अपने खेतों से उखाड़ के इसे लाया है। इस प्रकार का कुछ होता है। गांठ की गोभी को हम लोग अपने क्षेत्र में बेल गोभी भी बोलते हैं इसे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये गांठ का गोभी है। इसका जड़ नीचे रहता है, लगभग 1 से 1.5 इंच नीचे जड़ इसका होता है। तो हम गांठ के गोभी को हम इसके पत्ते को काट के अलग से निकाल देंगे। ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है और इसके अंदर बहुत ही रसीले गुदे होते हैं। तो हम इस प्रकार से इसे छीलेंगे और इसे जो छीलेंगे हम आपको हम दिखा रहे हैं इस प्रकार से। ये देखिए रेसे रेसे होते हैं इसमें, इसके ऊपर वाले छिलके में। लेकिन इसको भी हमें थोड़ी सी अंदर से हमें इसे छील के निकालना है, इस रेसे को भी। तो थोड़ी सी हम अब सावधानी से इसे छीलेंगे क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है इसका ऊपर वाला भाग। तो इस प्रकार से हम छील के इसके जो बीच वाले भाग गुदे वाला भाग है उसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा इस प्रकार से छील गया है। तो हम इसे काट के आप इसके साइज़ को ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि ये फिर पकने में दिक्कत होगी। तो हमने इस प्रकार के शेप में हम काटा है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और इन सबको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करके आप बनाते हैं गांठ की गोभी को तो ये बहुत ही अच्छी बनती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। तो इसे फ्राई करके हम इसे अच्छे से तल लेंगे आप चाहे तो, नहीं तो फिर कुकर में इसे बना लें। तो ये देखिए हमारा फाइनली जो गांठ की गोभी है हमारा ये फ्राई हो चुका है, ये अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से हमने सारे गांठ की गोभी निकाला है। अब तेल को हमने निकाल के थोड़ी सी इसमें तेल रहने दिया है, उसमें एक छोटी चम्मच पंचफोरन डाल के 2 सूखी मिर्च हम डालेंगे और इन सबको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे तेल में। तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमने एक मीडियम साइज का लिया है, उसे इस प्रकार के शेप में काटा है। तो प्याज को भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा प्याज सॉफ्ट हो गया है। अब हम टमाटर हैं, टमाटर हमने 2 मीडियम साइज का लिया है, उसे भी रफली चॉप किया है इस प्रकार के कुछ शेप में। और इन दोनों को अच्छे से हम सॉफ्ट करेंगे पका के। तो हमारा ये सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर अदरक ऐड कर लेंगे। अदरक हमने 1 इंच के आसपास का टुकड़ा लिया था, उसे घिस के इसमें डाला है। तो अब हम यहाँ मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले में हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बगैर कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर के भी बना सकते हैं। तो इन मसालों को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला हल्का सा सॉफ्ट हुआ है। थोड़ी सी पानी डाल के मसाले को और अच्छे से भून लेंगे। तो मसाले को हम लगभग 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। इन सारी प्रक्रिया में हमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है। तो ये हमारा मसाला भून गया है। अब हम यहाँ पे हमने जो गांठ गोभी को जो हमने फ्राई करके रखा था उसे हम डालेंगे यहाँ पे। हम लोग नॉर्मली इसे बोलचाल की भाषा में बेल गोभी ही बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसमें नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें और इसको मिला के अच्छे से इसे हम कवर करके पकाएंगे। ऐसे हमारा तो गांठ को भी अच्छे से पका हुआ है। तो थोड़ी सी हमने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला हमने बिल्कुल आधी चम्मच इस्तेमाल किया है। तो गरम मसाला डाल देंगे तो इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो अब हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से मसाला भी हमारा एब्जॉर्ब कर ले गोभी
और ये अच्छे से पक भी जाए मसाला भी। तो ये देखिए हमारा फाइनली गांठ की गोभी की सब्ज़ी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, तो है ना बिल्कुल मसालेदार चटकदार। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा गांठ की गोभी की सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। तो ये देखिए इसके जो प्याज है वो दिख रहे हैं, हमने प्याज को ज़्यादा भी नहीं पकाया था। तो इसी प्रकार से अब भी अपने घर पे इस नई रेसिपी को बनाएं और अपने फैमिली को खिलाएं। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।